बहुत मालदार हो जाओगे उस तरीके से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मिस्टर अमजद साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कौन साहब? जी मोहसिन बोल रहा था। कौन? मोहसिन। मोहसिन मोहसिन जी कहाँ से? मुंबई से। और सब खैरियत है ना? फारिक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। जो अजमेर में असल मामला हुआ है, इसके ताल्लुक से कुछ बात करनी थी, तो आप वक्त दे सकते हैं? नहीं। क्यों? नहीं, मतलब इस मामले में बोलना नहीं आपने? अजमेर में जो मामला हुआ है जी, ये अजमेर वालों से बात कीजिए तब पता चलेगा। नहीं तो आपकी तो माशाल्लाह बरेली मतलब से ताल्लुक है आपका, मतलब और ताजू शरिया। लेकिन मैं वक्त जाये करने वाला काम नहीं करता हूँ, समझ गए? मतलब ऐसी कोई बात बताइए ना कि जो इंशाल्लाह अवाम में फायदा हो। अवाम में आप लोग फायदे की बात कीजिए, हमसे जो हो सकता है मैं यहाँ रह करके कर रहा हूँ। तो क्या कर रहे मैंने बारहा कहा कि कोई भी बात हो आमने सामने आकर के करो, ये क्या कि मतलब अल्लाह ताला ने एक नेमत बख्शी है, फोन का एक जरिया बनाया है, तो उसका हम फायदा क्यों नहीं उठाए? हेलो। हेलो ताहिर साहब, सैयद है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का करम है। और सर क्या बोल रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है? मैं दुकान पर हूँ। अच्छा अच्छा, काम ज्यादा है क्या? नहीं काम तो कमी है, हल्का ही है। अच्छा, पहचाने नहीं? पहचान लिया। जी जी माशाल्लाह। अच्छा ये अजमेर का जो मामला हुआ है, इस पर क्या बोलते हैं आप? क्या मतलब जिसने मतलब ये नारे वगैरह लगाए ताजू शरिया के और इमाम रजा खान के, तो इन्होंने सही किया है गलत किया है? मेरी नजर में क्या किया है? ताहिर साहब मेरी नजर में तो मेरी बात तो आपके नजदीक हुज्जत नहीं होगी, लेकिन आपके लोगों ने जो किया है तो मेरी बात बताइए, आपके लिए हुज्जत है? जो मैं काम करता हूँ वो आप करोगे फिर? नहीं, आपके लोगों के लिए एक मैसेज होगा ना, मतलब मैं भी तो जानूँ कि आप क्या कहते हो। हमारे लोगों को तो मैसेज पहुँच रहा है, हमारे लोग तो कर रहे हैं जो करना है उनका वो कर रहे हैं, तो तुम्हें इससे क्या मतलब है ये बताइए? तुम्हारे लिए वो है तो तुम्हारा हुज्जत नहीं। कौन कौन लोग उसका डालो? मुल्ला अतहर। मुल्ला अतहर? हाँ, कौन सी हमारी किताब में लिखा है मुल्ला अतहर हमारा मुजद्दिद क्या था अपना? वो तुम्हारे मुजद्दिद क्या था अपना? ताहिर साहब अगर कोई अपने आपको मुजद्दिद दे गया तो हमारे मसलक का हो गया क्या? तो इस तरह अहमद रजा खान भी अपने वक्त के मुजद्दिद है, आप भी मानते हो? तो हम मानते अपना मुजद्दिद, हम मानते हैं, हम अपना मुजद्दिद मानते हैं। तुम्हारे लोग उसका आला हजरत फाजिल बरेलवी को और तुम्हारे लोग मुल्ला अतहर से इंटरव्यू ले लेके इसी अजमेर के बारे में कई किसी चीज के बारे में कई तुम्हारा मामला है, तो उससे लिख तो ना उनको हमारे खाते में क्यों डालते हो? हमारा कोई मतलब नहीं उससे, वो तुम्हारा मुजद्दीद है। उससे हमको क्या करने का? मैं तुम्हारा मुजद्दीद है, वो कर रहा हूँ उससे मैं बात। अरे वो तुम्हारा मुजद्दीद है, ये बोल रहा तुम्हारा मुजद्दीद है। नारे वगैरह ये हमारे बड़े जाने, इस बात को हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमारे बड़े जाने अगर आपको ये बात मालूम करनी है तो सोशल मीडिया पे मुनाज़रे करते हो, बरेली जाओ और वहाँ जाकर बात करो। ताहिर साहब इतना मतलब पानी वानी पी लिया करो, इत्मीनान से बात करो ना, ऐसा कोई बात करो। तुम भागते हो फिर कह दोगे मैं मुनाजिद तो हूं नहीं, मुड़ रहता है क्या? बात करके क्या फायदा होता है? तुम भागते हो फिर कह दोगे मैं मुनाजिद तो हूं नहीं? नहीं, ऐसा मैं ऐसा काम ही नहीं करता हूं कि मैं भागूं या मैं करता हूँ। मैं मुनाजिर नहीं हूँ। तो तुम मुनाजिर हो, तुम चैनल चलाते हो, तुम्हारे ऑडियो चलती है, तो तुम अपने अरे मुनाजिर करो फिर तुम करो, बोलो। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप खास हो ना, आप कोई ईमान की बात नहीं है इससे, किसी को मौजूद थोड़ी है। वो उस मौजूद में बात करो तो कुफर ईमान की बात हो, जो तुम्हारा हमारा अख्तिलाफ है उसको बात करो, तुम उससे करो बात करो, बोलो। अच्छा मतलब ये अजमेर के ताल्लुक से आप कोई बात नहीं करोगे? ये कोई कुफर ईमान का मौजूद नहीं है। कौन सा? तो ये अजमेर का बात करो ना, मालूम पड़ेगा। नहीं तुम उससे मुनाजरा करो, कुफर ईमान का मुनाजरा करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है मुझे मुनाजिर मानते हो, तुमने मान लिया मुझे मुनाजिर? सुनो ना, कुफर और इस्लाम का मेरी बात सुनो पहले। तुमने मुनाजिर मान लिया मुझे, वहां जाकर नारे लगाने की क्या जरूरत है? तुमने मुनाजिर मान लिया किसको? मुझे? अरे तुम्हारे बकौल मान रहा हूँ कि तुम कहते हो ना मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, तुम बोले कि मेरे हमारे बड़े काम कर रहे हैं, तुम छोटे मोटे हो। तुम छोटे मोटे कैसे हो? तुम तो मोहसिन देवबंदी बड़बड़ क्यों करते हो? तुमने अभी ये माना कि तुम सोशल मीडिया पर आते हो, तुम मुनाजिर हो, तुम अपने मान लिया मुनाजिर, मुनाजरा करो।
मुझसे मुनाजिरा करो। सुनो ना, मैं अपने आपको मुनाजिर तो नहीं कह रहा, तुम मुनाजिर कह रहे हो। तो क्यों आए दलाली करने फिर? जब तुम मुनाजिर नहीं हो, मैं मुनाजिरा करता हूं। बात करता है तो मुझसे बात मत करो। दलाली करने आए मथुरा के थे, उन्होंने कहा मैं मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी दलाली कर रहे हैं। तुमने मुझे माना ना मुनाजिर, मैं तो कह रहा हूँ मैं मुनाजिर हूँ। स्कूल से बना रहा हूँ मैं, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि मैं मुनाजिर हूँ। तुमने मुझे मुनाजिर माना तो तुम मुझसे मुनाजिरा करो। अगर तुम्हारी देवबंदी है, तुम्हें कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है तो उसे लाओ मेरे सामने, मुनाजिरा करो मुझसे। देखो पैदा हो गए, सिर्फ शर्त यह है कि तुम इस्लाम से बात करो मुझसे। अगर कोई आदमी ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की या किसी इंसान की शक्ल सूरत बनाकर आ सकते हैं, उसको हुक्म लगाओ, क्या हुक्म लगेगा? क्या नबी आ सकते हैं किसी शक्ल सूरत बनाकर? इसमें बात करो, औलिया अल्लाह की मोहब्बत की आड़ में वहाँ जाकर मस्जिदों में नारे लगाना, लड़ाई झगड़े फसाद मचाना, ये बरेलियों में सुन्नत है। तुम्हें क्या मतलब इस बात से? अरे तुम तो मुनकिर हो इस बात से, तुम किस बात से मुनकिर हो? तुम्हें क्या मतलब इस बात से? ख्वाजा करीम नवाज हमारे हैं। किस बात से मुनकिर? ख्वाजा करीम नवाज हमारे हैं। हम किसी रहे लगे या चाहे हमारे कुछ भी करें, हमारे हैं वो, तुम्हारे नहीं है। तुम तो औलिया किराम के गुस्ताख हो। तुम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की तो बात ही मत करो। तुम्हारे अहमद रजा खान और तुम्हारे ताजुल शरिया, इसके अलावा तुम्हारा कोई बुजुर्ग है ही नहीं। तुम्हारा ख्वाजा करीम नवाज किसके हैं? किसके हैं ये बताओ? किसके हैं? अल्लाह के वली है वो, हमारे हैं वो। अरे हमारे हैं, हमारे मसलक के हैं, ये हमारे हमारे मसलक के हैं, हमारी जमात के हैं। तुम्हारे मसलक के नवाज है कि नारे सुन्नत के हैं वो, वो देवबंदी थोड़ी है। क्यों लगा रहे थे? देवबंदी थोड़ी है वो, क्यों नहीं लगाएंगे नारे? वो बरेलवी भी नहीं है, अहले सुन्नत है वो। अहले सुन्नत बरेलवी कोई मसला थोड़ी है। अरे बरेलवी तो तुम लोग कहने लगे, हमें सुन्नत जमात है, फर्द है और अल्लाह के वली है, सुन्नत जमात है, इजाजत को कबूल भी किया। बरेलवी कोई मसला थोड़ी है, बरेलवी तो तुम हमें कहने लगे आराम कर रहे हो। तुम जैसे फसाद तुम लोग जानते हो, मजाक तोड़ने वाले हो और कहते हो हमारे वली है। हमारे हाँ, तुम्हारे इससे क्या मतलब है? तुम दलाली करने क्यों आए हो? अच्छा तुम्हारे वली से तुम दलाली करने क्यों आए बताओ? अच्छा सुनो ना, तुम दलाली करने क्यों आए? सुनो ना, सुनो ना, अपने खाने की कलावत बयान करो, अपने रसीदे में गंगोई की कलावत बयान करो। जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उसकी इसमें मुलाकात करो मुझसे। अगर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत बनकर आए, उस पर हुक्म क्यों करा? हाँ बड़बड़ तुम कर रहे हो, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे बड़ों से बात करो, क्यों कर रहे हो? इस पर मुझसे बात, मुझसे मुनाजरा करो, मुझसे मुनाजरा करो। मैं तो कर रहा हूँ। बताओ जो आदमी ये कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की सूरत या किसी इंसान की सूरत बनाकर नहीं रहा उधर, वो अपने दलाल से बात करिए। तुम्हारा तो मुझे मुल्ला आकर से पूछा, उसका डिबेट डालो, मुल्ला आकर से डिबेट करके वो डालो, वो जो तुम्हारा मुझे दीदे उससे अभी डिबेट करो, मुल्ला आकर से वो डालो। तुम कैसा भाग रहे? क्यों मुल्ला आदमी ये कह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की सूरत बनकर या किसी इंसान की सूरत बनकर आ सकते हैं, उस पर हुक्म लगाओ क्या लगेगा? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की सूरत बनाकर आ सकते हैं? अरे मुझसे मुनाजरा करो, तुम मुनाजिर मान जाओगे तो मुझसे मुनाजरा करो। ये बात क्या है? देखो हमारे रजा मुस्तफा अकेडमी वाले उनसे पूछो, तुम्हारे बम्बई के अंदर रजा अकेडमी वाले उनसे जाकर पूछो, जाओ भाई पूछो, तुम्हें जवाब देंगे वो, तुम्हें जवाब देंगे। तुम्हारे गालों पे चप्पल लगा मैं वो चप्पल, तुम मेरा नाम फेंक दियो, जाओ रजा मुस्तफा अकेडमी तुम्हारे बम्बई पे है, उनके पास जाओ, क्या पूछो जाकर उनसे, मालूम करो जाकर मुझसे क्यों मालूम कर रहे हो तुम? मैंने जब तुमसे ये कहा, दीवार गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ? मुझसे सवाल किया, मैंने तुमसे ये कहा कि हमारे बड़े जाने ही, अगर तुम्हें इतना ही शौक